आपका नाम क्या है? सुखेंद्र दास है जी। सुखेंद्र दास। आप कहाँ से आए हैं? हम कलकत्ता से आया। कलकत्ता से क्या मांगे आपके, क्या मांग ले पे कमीशन कर रहे मिलता है जी, वो हमें चाहिए और सब आदमी को पूछो सब चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको? पे कमीशन जो जो होता है ना जी, हाउस रेंट, सैलरी इंक्रीमेंट, यही सब हम सब चाहिए। यही से हमारा इधर में आया था कलकत्ता से। मैडम आपका नाम? मेरा नाम ममता सरकार है, वेस्ट बंगाल से आई हुई हूँ। कहाँ से? वेस्ट बंगाल कलकत्ता। अच्छा, क्या मांगे हैं आपकी? मेरा इधर तीन मांग है। टावर कंपनी है ना, वो टावर कंपनी बिकने नहीं देंगे, सब्सिडी टावर कंपनी नहीं चाहिए। और मेरा ये है, मेरा जो थर्ड पीआरसी है, ये थर्ड पीआरसी होना चाहिए, बहुत दिन हो गया लेकिन ये थर्ड पीआरसी नहीं होता है, इसलिए मेरा इधर आया हूँ। ये टावर कंपनी बिकने नहीं देते, देना चाहते। टावर में बिकने से मेरा बहुत गलती हो जाएगा, मेरा नुकसान होगा, इसलिए मेरा मांग नहीं देंगे। लेकिन BSNL तो वो जो सुविधा है वो सही प्रोवाइड नहीं करता, और आजकल जो लोग हैं या जो आजकल जो सरकार है वो प्राइवेट की तरफ दौड़ रही है कि वो सुविधा अच्छा दे रही है। BSNL का बहुत कुछ थे, अभी तक है। BSNL का अभी तक संपत्ति है, ये संपत्ति बिक के नया कोई इंस्ट्रूमेंट खरीद के ले आएंगे तो BSNL लाभजनक संस्था हो जाएगा। ये जान पूछ के ये सरकार हमको भिखारी बनाना चाहता है, ये हम समझे, इसलिए हम मेरा ये जो मांग है हम देना नहीं चाहते। आपका नाम? सुतपा राय, फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हम भी वेस्ट बंगाल कोलकाता से। क्या मांग है आपकी? सुतपा राय, हम लोगों का मांग है कि एक तो है जो टावर कंपनी जो सब्सिडरी जो करने जा रहे हैं गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट में है, उसके लिए सब कैबिनेट में ये लोग पास कर लिया है गवर्नमेंट, और जो थर्ड पीआरसी जो है उसके भी मांग है, दो मांग हम लोगों का है इसमें। लेकिन आप लोग जो मुद्दा उठाते हैं कि BSNL अभी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसका वजह है कि उनको BSNL को 2006 से जब उसने प्रॉफिट करने लगे उस समय से, उसके बाद से जो इतना इक्विपमेंट रहा वो सब इक्विपमेंट जो रहा वो जरूरत था कि इसका अपग्रेडेशन हो, इसका एक्सपेंशन हो, उन एकदम टोटली स्टॉप कर दिया गया। और तीन बार जो है हम लोगों का BSNL के लिए टेंडर, जितना टेंडर था कि मोबाइल का सर्विस हम लोग सारा इंडिया में कर सके, उसके लिए पूरा टेंडर कैंसिल किया गया। इसके वजह से BSNL 2006 के बाद पूरा लॉस में चला आया, और जितना कि प्राइवेट ऑपरेटर है उनके सुविधा के लिए BSNL को सारे सप्लाई बंद कर दिया गया, लेकिन कर्मचारी जो है ऑफिसर लोग है वो लोग सर्विस देने के लिए सब समय तैयार है। और जो BSNL है अभी तक सरकारी संस्था है, इसका 1% भी शेयर बाजार में नहीं है अभी तक, और ये पूरी इनका कोई लोन नहीं है। और BSNL जो सरकारी एक संस्था है, यह सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है इसको, इसी का BSNL को सरकार की पॉलिसी जो है कि जिस तरह सारे PSU को वो बेचना चाहते हैं, जो डिस इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी है गवर्नमेंट का वही करना चाहते हैं, उसमें BSNL भी इसका अंतर्गत है। और इनका एक ही उद्देश्य है, पर्पस एक ही है कि प्राइवेट ऑपरेटर खास करके जियो को सुविधा देने के लिए अभी BSNL को एकदम पूरी तरह लॉस के एकदम सिक इंडस्ट्री के रूप पे करने के लिए जा रहे हैं। इसी कारण से ये जो स्टेप्स जो लिया जा रहा है उसमें एक है जो टावर को अलग किया गया, क्योंकि सारे 70,000 जो टावर हम लोगों का सारे इंडिया में है वो BSNL का अपना प्रॉपर्टी है। 70,000 यस, ये हम लोगों का BSNL का प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, ये देश का प्रॉपर्टी है, देश का जनता का प्रॉपर्टी है। इसके BSNL से अलग करके अलग कंपनी बना के ऐसा कुछ फायदा नहीं होगा जो अभी हो रहा है। इसका मूल पर्पस एक ही है, एक ही उद्देश्य है कि एक अलग कंपनी पहले बनाओ, इसको सेपरेट करो, इसको बेच दो, प्राइवेट के हाथ में दे दो। यही कारण है हम लोग इसके अगेंस्ट में है। हम लोग चाहते हैं कि सेव BSNL, सेव इंडिया, सेव नेशन। एंड जो मेरा हम लोगों का जो वाइज रिविजन का जो 10 साल से पड़ा हुआ है, 10 साल बाद हम लोगों का मिलना चाहिए, जिसके लिए सरकार एग्रीमेंट की थी 2007 में कि 10 साल बाद कर्मचारियों का वेज बढ़ाया जाएगा, पे रिविजन होगा। अभी 7 पे कमीशन हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई लोगों को, उन लोगों को मिल गया, हम लोगों को 1 साल से पड़ा हुआ है लेकिन अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है। DOT जो
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन वो लोग भी बोल रहे हैं कि BSNL लॉस कर रहा है, इसीलिए इसको थर्ड PRC नहीं मिलेगा। वी आर अगेंस्ट दिस पॉलिसी एंड वी आर फाइटिंग फॉर दिस। ओके, थैंक यू।